हमारा तिरंगा, हमारा अभिमान। कितना सौंदर्यकरण हो गया है, बहुत ही खूबसूरत बना दिया चांदनी चौक को। देखे कर चांदनी चौक के नज़ारे आप। प्रदान के लिए मैंने दुल्हन देख ली है। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। दोस्तों आज हमारा है रोज़ा, अब हम रोज़े की करेंगे तैयारी। और मेरे हस्बैंड खड़े हैं, अब देखो मेरे हस्बैंड कहाँ जा रहे हैं। बात दोस्तों, वेलकम टू सईदा लाइफ फैमिली व्लॉग। और आप हमेशा खुश रहें, ऐसी कोशिश करते हैं हम लोग। तो आइए आज के प्रोग्राम में निकलते हैं आज के सफर पे, और शाम तक आपको दिखाते हैं हम कहाँ घूमे, क्या नज़ारे लिए। और आप तो मैं जा रही हूँ पापा के साथ चांदनी चौक कपड़े लेने के लिए, क्योंकि मेरे अब तक कपड़े नहीं आए ईद के। तो पापा और मैं जा रहे हैं आज कपड़े, पापा मेरे कपड़े दिलाने के लिए लेकर जा रहे हैं। जाओ इसको कपड़े दिला लो और फिर उसके बाद हम चलते हैं शॉपिंग करने के लिए। गाइस कल हमारा ब्लॉग डला था जामा मस्जिद का, आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगा है लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब तो जरूर करना। दोस्तों हमने जामा मस्जिद पे बनाया था, बहुत अच्छा व्लॉग बना, मेरा बहुत दिल खुश। जल्दी जल्दी वीडियो को वायरल कर दो, काफी अच्छा व्लॉग है, जल्दी जल्दी आपके चैनल पे जाके देखो। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं। तो गाइस आज नन्नी भी हमारे घर आ चुकी है, काफी नाराज चल रही थी पता नहीं किस बात पे, और आज आई है। गाइस मैं आज पाजी के घर आके कुरान पढ़ रही हूँ। गाइस आज मेरा रोजा है, आपका रोजा है तो कमेंट में लिखकर बताना। तो अब हम जा रहे हैं थोड़ा अपना शॉपिंग करने के लिए, आज पापा के जेब खाली कराऊंगी मैं। गाइस कल मिलूंगी मैं आपको। तो चल रहे पापा, चलते हैं पापा, तैयार है जेब खाली करने के लिए। पापा की जेब तो हमेशा खाली होती रहती है बच्चों के लिए, लगे हम अपने काम पे। चलो भाई तो चलते हैं गाइस, आ जाओ। तो चलते हैं पापा और मैं। ये भैया भेलपुरी बना रहे हैं, भेलपुरी मुंबई की, मुंबई की, मुंबई की भेलपुरी दिल्ली में। हाँ सही है।
सिलसिले आ गए हैं। लाल किले की वो जगह है जहाँ पे प्रधानमंत्री जी यहाँ पर झंडा फहराते हैं 15 अगस्त को, 26 जनवरी को अपना भाषण वगैरह देते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री यहाँ पर आकर 15 अगस्त 26 जनवरी को जो प्रोग्राम फंक्शन होता है तो यहीं पर उनकी उपस्थिति रहती है और यहाँ पे पूरे देश को संबोधित करते हैं। बोरा झंडा, बोरा ऊपर झंडा, मैं दिखा दूँ आपको झंडा और हमारा नेशनल फ्लैग देखिए। लाल किले की प्राचीर पर लगा हुआ है हमारे देश की शान, हमारा अभिमान, हमारा तिरंगा। पर आए हुए हैं और यहाँ पर सभी जगह से लोग आए हुए हैं, बड़े बड़े राज्यों से, प्रदेशों से, पूरे हिंदुस्तान से यहाँ पर लोग आए हुए हैं घूमने फिरने के लिए और मेला घूमने के लिए आए हुए हैं, लाल किले को देखने के लिए आए हुए हैं। हमारा तिरंगा, हमारा अभिमान। दोस्तों ये लाल किले के पास जो काफी गहराई पर बना हुआ है, यहाँ पर कभी किसी जमाने में यमुना नदी बहा करती थी, आज घास उग गई है, घास उग गई है और कितनी ज्यादा पब्लिक है यहाँ पर देखो आप। सामने गुरुद्वारा भी है और मंदिर भी है, लाल मंदिर हमारा शीशगंज गुरुद्वारा है और चांदनी चौक है सामने बिल्कुल लाल किले के। हम आए थे शॉपिंग करने के लिए और घुस गए लाल किला देखने के लिए, फोटोशूट चल रहा है यहाँ, क्या हर जगह फोटोशूट चल रहा है। हर किसी का कैमरा ऑन है और हर कोई वीडियोस फोटोज ले रहा है यहाँ पे। हम भी अपना ब्लॉग बना रहे हैं। हम जा रहे हैं चांदनी चौक शॉपिंग करने के लिए। आ गए हम चांदनी चौक जो लाल किले के बिल्कुल सामने है। प्रसाद है, गुरुद्वारा, गौरी शंकर मंदिर है, ये गौरी शंकर मंदिर है। यहाँ हो रहा है भंडारा, तो जिसका भंडारा खाना है गौरी शंकर मंदिर पर आ जाओ, भंडारा हो रहा है। ये हमारे पास तो टाइम है नहीं, आपके पास समय है तो आप आ जाइए, लाइन में लग जाइए, कोई बहुत भीड़ है। शादी के लिए लहंगे खरीद लो, जूते, बैग, तो काफी ज्यादा भीड़ है चांदनी चौक में भी। यहाँ हम आ गए हैं लाइट्स पता करने के लिए, रिंग लाइट और ये स्टैंड्स हैं। माइक, ये जिसको सिंगर बनना है माइक ले लो। लहंगे, फ्रॉक सूट, इतनी प्यारी प्यारी साड़ियाँ मिल रही हैं। बनारसी साड़ी भी दिखाना, ये वाली, ये दिखाना रेड वाली, खूबसूरत साड़ी लग रही है। क्या रेंज होगी भैया इसकी? ये 15 की रेंज है। 15 इधर भी मैडम जी, इधर का भी बना लो, इधर भी बना लो, इधर का भी बना लो। यहाँ कुर्ती, प्लाजो सेट मिलते हैं, बोल दो आप, बोल मिलती है ये भैया, कुछ मिलेगा भैया के चांदनी चौक गुप्ता मार्केट में दुकान है। कुर्ती, प्लाजो सेट, लेडीज सूट सब कुछ मिलेगा, क्रंची नीलम मार्केट, लेडीज सूट की मार्केट, लेडीज सूट, नायरा सेट, प्लाजो सेट सब यही मिलेगा कम से कम रेट में। ये सारे भैया का कलेक्शन लगा हुआ है, दिखाओ एक पीस, दिखाओ भैया खोल कर। नायरा सेट
यहाँ पे तो आजकल काफी ज्यादा डिमांड में है नायरा कट सूट। 1600 वाली आइटम 1200 रुपए के अंदर ही दिखेंगे। ये देखो कितना प्यारा पीस है, 1650 वाली आइटम बता दिया मैडम, 1250 में नायरा से। ठीक है, तो जी जिसको लेने हैं भैया के शॉप पर आ जाओ। फैंसी फैंसी सूट 650 रुपए। ये देखो कितने प्यारे प्यारे सूट भैया दिखा रहे हैं, कितने प्यारे प्यारे लहंगे लगे हुए हैं यहाँ पर। यहाँ पे लगी है बैग के सर, अंकल कितने कितने के हैं बैग? 100 रुपए का मेरी बैग, 100 रुपए का बैग देखो कितने प्यारे प्यारे बैग हैं। 100 रुपए में इतने प्यारे प्यारे बैग्स मिल रहे हैं। 100 रुपए का ले लो, कोई सा ले लो, कोई छांटो पर। तो ये डायमंड के फेस वाली डमी है। कोल्हापुरी चप्पल, छोटे छोटे दूल्हे हैं यहाँ पे, ये बराती के साथ जाते हैं, दूल्हे के साथ छोटे छोटे बैठे थे वो हैं सारे। ये लहंगा कितना ज्यादा प्यारा लग रहा है, अगर मेरे घर में किसी की शादी होती तो मैं यहाँ से जरूर लहंगा लेके जाती। तो कल शादी में बुला लो मुझे। तो हमारे देश में फॉरेनर से भी घूमने के लिए आते हैं लोग, देखो। व्हाइट शर्ट कलेक्शन, लेडीज चाहिए था, लेडीज मिल जाएगा अंदर। चलो ये बड़ा शर्ट है, ये ये है गुरुद्वारा शीशगंज चांदनी चौक द्वारा। लहंगे ही लहंगे, यहाँ सारा ज्वेलरी का आइटम है। सोने से कम नहीं, खो जाए तो गम नहीं। भैया कोल्हापुरी चप्पल दिखाना, सब लोग रही ऊपर। सलमान खान वैसे दूल्हा बना हो ना बना हो, पर यहाँ देख लो सलमान खान दूल्हा। भैया बोल रहे सलमान खान दूल्हा नहीं बनेगा। छोले भटूरे, सब्जी कचौड़ी, छोले भटूरे और मिठाइयाँ। हाँ जी, हाँ जी, किसकी दुल्हन खो गई? आके अपने दुल्हन को ले जाओ। हमारे देश के मैं आके फॉरेनर भी दुल्हन की फोटो ले रहे हैं, इन्हें भी दुल्हन अच्छी लग गई। बैंगल्स, प्रदान के लिए मैंने दुल्हन देख ली है। हम आ गए हैं नई सड़क पर और यहाँ भी सारा कलेक्शन, साड़ी सूट बुक्स सब चीज़ें यहाँ मिलती हैं। न
कितना प्यारा फ्लूट बजा रहे हैं भैया ये। सौंदर्यकरण हो गया है, बहुत ही खूबसूरत बना दिया। चांदनी चौक को देखिए, जरा चांदनी चौक का नज़ारे आप सामने, सीसगंज गुरुद्वारा सामने बिल्कुल लाल किला है और ये फुआरा है चौक, जल्दी नाम की चौक आ गई इधर। रोजाना होता तो भटूरा खाने चलते हैं। हल्दीराम के भटूरे काफी ज्यादा फेमस हैं, इसीलिए मैंने भंडारा भी छोड़ दिया, वरना मैं भंडारा नहीं छोड़ती कभी भी। यहाँ तो दूल्हे और दुल्हन बहुत ज्यादा है। मैं आई थी अपने कपड़े लेने के लिए, मगर यहाँ लहंगों के सिवा मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दिया, और ईद पे मैं लहंगा तो पहनूंगी नहीं। ये है फुआरा चौक, कितना खूबसूरत बना हुआ है देखो। और सामने है शीशगंज गुरुद्वारा। हिंदुस्तान में इतनी ज्यादा खूबसूरती है ना कि दूर दूर से लोग यहाँ देखने के लिए आते हैं, और टैलेंट की कमी नहीं है किसी के भी अंदर। रात काफी ज्यादा हो चुकी है, 8 बजने वाले हैं, और अब हम जा रहे हैं घर की तरफ। और मुझे यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आया, मैंने कुछ भी नहीं लिया। कितना प्यारा लग रहा है देखो। मेरा फोन पकड़ो। चांदनी चौक में चांद भी लगा रहा है और झूला लगा हुआ है, मेला लगा है। हवाई जहाज के अंदर बैठ जाओ छोटा भीम। डोनाल्ड डक। यहाँ पान है, मीठा पान। लाल किले पर फॉरेनर भी आए हुए हैं मेला घूमने के लिए। आओ जिसका निशाना तेज हो निशाना लगाओ, परिणाम पाओ। नाव वाला झूला। टिक्की चाट पापड़ी की कॉर्नर। पापा उधर भूत बंगला है। और आइसक्रीम वाले तुर
राकेश आइसक्रीम परेशान करने वाला आइसक्रीम देखकर ही परेशान ज्यादा करता हाँ कौन कहाँ गई कौन तोड़ दिया दूसरा नहीं करेगा मेरे साथ अरे देखो कमाल है इसका आइसक्रीम वालों का तुम लोग को परेशान करके आइसक्रीम खिलाते हैं इतनी देर में तो खुंदक आ जाए लाल किले पे लगा हुआ है ये मेला कितनी ज्यादा रौनक हो रही है कपड़े तो मिले नहीं मगर मेले में आ गए हम जा रहे हैं भूत बंगला देखने के लिए पापा तुम कभी गए भूत बंगले के अंदर डर लगता है बच्चे वोटिंग कर रहे हैं बहुत छोटे छोटे बच्चे बड़े सुंदर लग रहे हैं वोटिंग कर रहे हैं दोस्तों छोटे छोटे बच्चे वोटिंग कर रहे हैं बड़े सुंदर तरह से और पीछे है हमारा मिक्की माउस वाला झूला जहाँ मैं भी बचपन में झूला करती थी मैं भी झूल सकती हूँ अंकल मैं भी झूल सकती हूँ बच्चों के टॉयज इंडियन हॉपला ये रिंग वाला गेम है ये बॉल वाला गेम है और ये सारे प्राइज लगाए हुए हैं यहाँ भैया ने ये बॉल से सारे ग्लास एक साथ गिराने हैं तुम गिरा के दिखाओ पहले आप गिरा के दिखाओ आप गिरा के दिखाओ गिराने पे क्या मिलेगा अच्छा अच्छा बोलो भैया ये भैया ने बॉल रख रखी है इस गेम बना रखा है गिलास गिराने का और वो गिलास है आप गिलास अगर गिरा देंगे तो ये 200 रुपए देंगे या आपको एक गिफ्ट आइटम देंगे ऊपर डेढ़ सौ रुपए के बैग हैंड पर्स हर माल 10 रुपए ये टॉयज भी है साथ ही कुर्तियां भी मिल रही हैं 150-200-100 रुपए में ईद के लिए आ जाओ जिसको झुमके चाहिए वो ले लो ये तो मेरे कुर्ते में मैच होगा 100 रुपए में केवल 100 रुपए में ये झुमके मिल रहे हैं यहाँ फोटो प्रिंट कर रहे हैं भैया
टी शर्ट पे फ्लो पे तो काफी अच्छा मेला लगा हुआ है लाल किले पे, जिसको आना है आ जाओ। तो दोस्तों बच्चे किस तरीके से शोर मचा रहे हैं और काफी अच्छा गेम है, बच्चे झूल रहे हैं इसके अंदर, बहुत ही प्यारा झूला है। ब्रेक डांस तो अब चल रहे हैं हम घर की तरफ, क्योंकि काफी ज्यादा टाइम हो चुका है, खाना खा चुकी हूँ मैं, वरना मैं भी लाल किले में झूले पे जरूर झूलती। दोस्त करते हैं घर के लिए प्रस्थान, छोड़ने वाले हम ये वाला स्थान। चलो तो जाएंगे हम, तो हम नहीं जाने वाले राजस्थान, हम सिलमपुर जाएंगे दोस्तों। गाइस मैं और पापा आ चुके हैं अब घर। क्या दिली सुनो? कुछ भी नहीं लाए, कुछ भी नहीं मिला। क्यों? अरे वहाँ पे सिर्फ क्या कहते हैं, लहंगे ही लहंगे, लहंगे लहंगे। आपके मीत पे लहंगा पहनूंगी? लहंगे ही मिल रहे हैं बाजार में, नाम से लोग पहनूंगी। किसी की शादी हो तो मुझे बुला लो, फिर मैं लहंगा बना लूं। खाना गर्म करो जल्दी से, भूख लग रही है काफी तेज। मतलब तो मैं खाकर आई थी मगर फिर से भूख लग चुकी है, क्योंकि रास्ते में आते थक चुकी हूँ मैं। एंड करते हैं तो आज की वीडियो इतनी ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और लाल किले पे कौन कौन जाएगा झूला झूलने के लिए, ईद पे या कल या परसों जब भी कोई आएगा तो मुझे कमेंट पे जरूर बताना। ठीक है, मिलते हैं, बाय बाय।